माय चैनल, दिस इज नेहा पटेल एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं आज का पूरा ऑफिस का दिन व्लॉग करूंगी। सो बहुत दिन हो गए मैंने ऑफिस का व्लॉग नहीं बनाया है, मेरा बहुत मन कर रहा है व्लॉग बनाने का। ऑल्सो कुछ स्पेशल नहीं है, नहीं स्पेशल है एक चीज़ स्पेशल है, मैं आज ही वो बता देती हूँ, वो ऑफिस में जाके आपको पता चलेगा कि क्या स्पेशल है, ठीक है। और बाकी तो एकदम नॉर्मल सा जो सीएस के लाइफ में एक ऑफिस का दिन होता है, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, इट्स वेरी नॉर्मल, कुछ स्पेशल नहीं है। और कैजुअल चीज़ें होने वाली है, जो भी है अनफिल्टर्ड लाइफ ऑफ अ सीएस, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के वीडियो में। सो मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, लाइक इट्स ऑल ब्लैक टुडे, बस मुझे थोड़ा स्किन केयर करना है, मॉइस्चराइजर और वो सब लगाना है, तो वो सब लगाते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। एक तो ना इंडियन फैमिलीज में सुबह सुबह व्लॉग करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सब घर का काम सुबह ही होता है और इतनी आवाज़ें, बट ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो अभी मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, आई होप आपको दिखाओ, मैं थेपला कर रही हूँ और मुझे दही नहीं मिला तो मैं उसके साथ सॉस खा रही हूँ और थोड़ा सा फ्रूट है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा मैं फ्रूट्स खाती हूँ और मैं टिफ़िन में भी फ्रूट्स लेके जाती हूँ, लाइक बोलते ना प्री लंच के पहले खाने के लिए मुझे बहुत भूख लगती है इसलिए। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगी और मेरे पास एग्जैक्ट 10 मिनट बचे हैं, मुझे ब्रेकफास्ट खा के फिर तुरंत निकलना है ऑफिस के लिए। ये हर बार होता है, 10 मिनट पहले मैं आ गई स्टेशन, 10 मिनट पहले, अब मुझे वेट करना पड़ेगा ट्रेन के लिए। मतलब मैं ये हर बार होता है, या तो मैं बहुत जल्दी आती हूँ या तो मैं लेट हो जाती हूँ, मैं कभी ऑन टाइम नहीं हूँ। शिफ्ट हो गए थे बट मैं नहीं व्लॉग बना पाई थी ड्यू टू सब कॉन्फिडेंशियल पर्पस और वो सब, बट नाउ आई एम लाइकिंग माई न्यू ऑफिस अ लॉट। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, रुको जल्दी आती हूँ ऑफिस में कि कोई रहता ही नहीं सिवाय योगेश के, जो कि 24/7 लेफ्ट, तो वही हम इतना जल्दी आ जाते हैं, 10:30 का रहता है तो हम लोग 10:25 तक आ जाते हैं, कोई रहता ही नहीं ऑफिस में।
गाइस आपको कैसा लगा हमारा नया ऑफिस? स्नेल कहाँ पर है? सो मैम तो आ चुके हैं, मेरे थोड़े टाइम बाद ही मैम आए। गुड मॉर्निंग सर। और स्नेहल स्टडी लीव पर है, उसका भी LLB का CS के एग्जाम्स आने वाला है, तो वो स्टडी लीव पर है। जून में एग्जाम्स है, तो इट्स मी एंड मैम। मैम यहाँ बैठते हैं और मैं यहाँ। ये देखो क्या टाइम हो रहा है। इज दिस द टाइम? अरे क्या कर रहे बताओ? व्लॉग को अवॉइड करने के लिए फोन पे बात। हाँ, व्हाट इज दिस, क्या टाइम हो रहा है? ये कोई टाइम होता है? 12 बजे कोई टाइम होता है आने का? मेरे को CS का टाइमिंग करवा दो ना। CS बनो उसके लिए पहले। CS फाइनल है, पेंडिंग है दो ग्रुप्स। तो वही CS फाइनल ही तो होता है ना। रजिस्ट्रेशन क्या? ये मावशी लोग कितना लेट आते हैं, हम भी सबसे पहले आते हैं। ए हेलो, डोंट बी जेलस, ओके? हम लोग सबसे पहले नहीं, हम हमारा काम जल्दी खत्म करते हैं। तुम भी करो खत्म काम, उतना दे दो, हम भी जल्दी खत्म करेंगे। अच्छा, हम CS टीम जो रहते ना, वो हमेशा टाइम पे आती है ना मैम? हम CS टीम हमेशा टाइम पे आते हैं। हाँ, और ये फिनांस वाले हमेशा लेट आते हैं, फिर हमको बोलते हैं कि तुम लोग हमको तुम्हारी टीम में ले लो। तो अभी हम हमारे एकदम ऑनरेबल एम्प्लॉय से थोड़ा डिस्कस करेंगे। योगेश So, अभी मैं मेरे ऑफिस के सबसे बेस्ट स्पेस पर हूँ, विच इज दिस। एंड मुझे जब भी LLB की पढ़ाई करनी होती है या कुछ भी लाइक इम्पॉर्टेंट कुछ सोचना होता है, कुछ प्रोडक्टिव करना होता है, तो मैं यहाँ पे आके बैठती हूँ, विच इज अवर फ्रेंच विंडो। तो अभी इट्स 1:20, तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, मैम एक मीटिंग में है, वो ख़त्म हो उसके बाद हम लंच करें। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, वैसे मैंने बीच में फ्रूट्स खाए थे बट फिर भी यार भूख तो लगी है। सो अभी जस्ट हम लोग लंच कर आए हैं। सॉरी, मैं लंच का व्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि खाने में बहुत बिजी थे हम लोग। तो इट्स अराउंड 2:15 नाउ, अब लंच करके आए हैं एंड छास, इट्स मैंडेटरी इतने गर्मी में ना, छास इज मैंडेटरी। आप देख सकते हो मेरे मैम के इस पर भी मैंने रख दिया है छास, वो भी पी लेंगे। आई नो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ बट एक्चुअली में मुझे मेरे नए ऑफिस की वाइब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। छास उसमें पीने को जम ही नहीं रहा था टेट्रा पैक में, तो मैं ग्लास में निकाल के लाई हूँ। चीयर्स। सो मैं आपको बताऊँ मेरे डेस्क पे क्या क्या है। सो ठीक है, ये तो छास है, ये मेरा पेंसिल स्टैंड, पेन स्टैंड जो बोलते हैं। आई लाइक टू कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, कलर जो भी है। फिर ये फ्लावर है जो पहले वाले ऑफिस में था मेरा। ये मास्क, टिश्यू पेपर, और मेन चीज़ जो है वो है ये मेरे फैमिली की फ़ोटो, एंड दिस वन यूनिकॉर्न, आई लाइक दिस अलॉट। और ये डायरीज एंड ऑल है। बाकी पूरा डेस्क मेरा
मैंने यू नो टारगेट रखा है कि मिनिमल चीज़ें रखनी है डेस्क पर, बाकी तो यस। सो इट्स अराउंड 4 इन द इवनिंग एंड आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा वॉक कराऊँ बाहर। मुझे ना हमारे नए ऑफिस में ये जो प्लांट्स लगे हुए हैं ना सब बहुत पसंद है, मतलब इट अलग ही टाइप का वो वाइब देता है, पॉजिटिव वाइब देता है। कभी कभी क्या होता है ना, आप ऑफिस के काम से इतने हेक्टिक और इतना थक जाते हो कि आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे जब भी ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ऑफिस के बाहर आके हमारा पैसेज है वहाँ पर वॉक करती हूँ या वहाँ पर बैठती हूँ। मुझे बहुत ब्रेक, पढ़ाई भी करती थी तो मुझे ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ती थी। और ये ऑफिस का काम या सीएस का काम ऐसा काम होता है ना कि एक पे एक नया कुछ ना कुछ नया नया काम आता ही रहता है। एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो खुद के लिए हम टाइम नहीं दे पाते। और भले आप ऑफिस में हो तो दैट डजंट मीन कि आपको 8 घंटा बस डेस्क के सामने ही बैठना है। प्रोडक्टिव काम आप तभी कर पाओगे जब आप फ्रेश फील करो, है ना। तो मेरा तो यही मंत्र है, फ्रेश फील करो और काम करो। ऑलमोस्ट 6 नाउ एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है एंड मैम को आज जल्दी जाना था घर पर इसलिए वो चले गए। और एक्चुअली मैं आज ऑफिस में ज़्यादा लोग नहीं थे, स्नेहल भी नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया वो स्टडी लीव पर है, और दूसरे टीम मेम्बर्स भी नहीं थे तो ज़्यादा लोगों को मैं आप बता नहीं पाई व्लॉग में। बट दिस इज हाउ अ नॉर्मल ऑफिस लाइफ लुक्स लाइक है। हमेशा ऑफिस लाइफ चार्मिंग और हैप्पी या हमेशा सैड ऐसे नहीं होता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहता है। सो एक यूजुअल जो नॉर्मल डे होता है वो ऐसा ही होता है, काम होता है, फिर खाना पीना होता है, फिर थोड़ा कलीग्स के साथ बातचीत होती है एंड ऑल दैट। सो ऐसे और ब्लॉग मैं आगे बनाती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय बाय।